Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum friends. Welcome back to my channel Traveling Omi. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। पाकिस्तान में सैर व सियाहत के लिए हजारों पुरकशिश और तारीखी जगहों में से एक जगह चोलिस्तान का सहरा भी है। चोलिस्तान में मौजूद किले या दुनिया में कोई भी तारीखी किला, महल या इमारत है तो उसके अंदर मुख्तलिफ कहानियां छुपी हुई होती हैं। उसी तरह हम कोई भी तारीखी किला देखने के लिए जाते हैं तो इसमें भी हमें तारीखी कहानी मिलती है जो हमें फौरी तौर पर माजी में ले जाती है। और फिर एक सवाल पैदा होता है कि ये किले आखिर क्यों बनाए जाते थे, किलों को बनाने की ज़रूरत पेश क्यों आती थी। वैसे दुनिया में पहला किला कब बना, ये किसने बनाया था, इसकी तफसील तो मालूम नहीं, लेकिन तारीख बताती है कबल अज़ मसीह यानी आज से 5000 साल पहले जब सिकंदर आजम दुनिया फतह करने निकला तो उसने पाकिस्तान बहावलपुर के चोलिस्तान में उच्च किला फतह किया और कई रोज क़याम भी किया था। कहते हैं कि किला की तामीर का तसव्वुर अहले मशरिक का है क्योंकि मंगोलों से दिफा के लिए चीन ने एक दीवार तामीर कर डाली थी। मैंने बहुत मुताला किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किले कहाँ मौजूद हैं। आप ये जानकर हैरत ज़्यादा रह जाएंगे कि बहावलपुर की सरजमीन चोलिस्तान में सबसे ज़्यादा किले वाक़ हैं। चोलिस्तान में किलों की तादाद तकरीबन 29 से भी ज़ायद बताई जाती है। रियासत बहावलपुर सहराए चोलिस्तान एक तारीखी ख़जाना है जिसे आज के दौर में नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस सहरा में किलों की एक चेन थी जो दरियाए हाकड़ा के किनारे तामीर किए गए थे जिसके आसार आज भी मिलते हैं, जिनमें किला ड्रावड़, दीनगढ़, मौजगढ़, जामगढ़, मीरगढ़, इस्लामगढ़, किला मरोट और फोर्ट अब्बास के अलावा दीगर किले शामिल हैं। और इसके अलावा महलों और पुरानी इमारतों की तादाद इससे भी ज़्यादा है। सहराए चोलिस्तान के रास्तों की मजमूई लंबाई 1199 मील बनती है। चोलिस्तान बहावलपुर के तीन अजला बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान के रास्ते सहरा की जानिब किलों तक जाते हैं। आज हम आपको चोलिस्तान में मौजूद 29 किलों में से मीरगढ़ किला की सैर और तफसील बताने जा रहे हैं। आपको बताता चलूं, कोई भी वीडियो या डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वक्त और सख्त मेहनत दरकार होती है। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है मेरी हौसला अफजाई और मदद के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, शुक्रिया। किला मीरगढ़ सूबा पंजाब के ज़िला बहावलनगर की तहसील फोर्ट अब्बास से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये खूबसूरत किला अब्बासी बादशाहत के दौर में बनाए गए किलों में से एक है जिसको जाम खान के बेटे नूर मोहम्मद खान ने तामीर करवाया था। इसकी तामीर 1799 में शुरू हुई और 1803 में इस किला को मुकम्मल कर लिया गया था। इसका बैरूनी हिस्सा पुख्ता है और एक दाखिली दरवाज़ा और चार मीनार हैं। दाखिली दरवाजे के दो हिस्से हैं, बैरूनी दरवाजे पर लोहे की सलाखें लगी हुई थीं जिनका अब कोई नामो निशान नहीं। फिर अंदर राहदारी थी, इसके बाद अंदर का दरवाज़ा था। किला के सहन में रिहायशी मकानात थे, सहन में दो मीठे पानी के कुएं थे जो अब खुश्क होकर भर गए हैं। इस वक्त किला की फसील बिल्कुल शिकस्ता हालत में है, अंदर के मकानात मिट्टी का ढेर बन गए हैं। इस किले की ऊंची दीवारें मिट्टी से बनी हुई हैं। ये किला बहुत ही खस्ता हालत में है और महकमा आसारे कदीमा की तवज्जा का तलबकार है। अगर इस कीमती विरसा की हिफाजत ना की गई तो बहुत जल्द ये रोए ज़मीन से अपना नक्श मिटा देगा। ये किला मरोट से 18 किलोमीटर, किला जामगढ़ से 7 किलोमीटर और किला दरावड़ से 132 किलोमीटर दूर वाक़ है। हमारे मुल्क में सैर व सियाहत को फ़रोग देने के लिए हज़ारों पुरकशिश और तारीखी मकामात में से चोलिस्तान भी है।
اگر چولستان میں موجود مختلف تاریخی عمارتوں، تاریخی قلعوں اور تاریخی محلوں پر اگر تھوڑی سی بھی توجہ دی جائے تو دنیا کے سیاحوں کا رخ پاکستان کے چولستان کی طرف کیا جا سکتا ہے، جہاں سیاحوں کو قدرتی حسن کے ساتھ پاکستان چولستان کا کلچر بھی دیکھنے کو ملے گا، جس سے علاقے میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اور زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں صحرائے چولستان کو ایک تاریخی خطے کی حیثیت مل جائے گی۔ جس طرح لوگ گرمی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے ہل سٹیشنوں پہ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح وہی لوگ موسم سرما میں سن باتھ کرنے کے لیے چولستان کے ٹیلوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ Thank you.
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل ٹریولنگ اومی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔